दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आप कभी क्रेडिट कार्ड बन जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम तीन ऐसे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिसे यूज करके आप स्टूडेंट होते हुए भी क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अब देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट्स के केस में डायरेक्टली अगर बैंक से अप्लाई करते हैं तो आपका चूंकि ना कोई इनकम होता है, ना कोई आपका सैलरी होता है और ना ही कोई इनकम का सोर्स होता है, तो इसलिए आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो तीन ऑप्शंस बताने वाले, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शंस को भी अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो आपको भी एज अ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो ये तीन ऑप्शंस क्या है, इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। शुरुआत करते हैं नंबर वन से। नंबर वन पर है स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट में बिहार सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इशू करती है। यहां पर देख सकते हैं ये बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला वेबसाइट ओपन किया हुआ है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो थोड़ा इस बारे में डिटेल में मिलेगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और इस योजना के तहत ही स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे कि स्टूडेंट बिहार का ही रहने वाला हो, स्टूडेंट बिहार के ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा करके पढ़ाई कर रहा हो, स्टूडेंट का एज मिनिमम 18 साल हो, यानी कि 18 साल प्लस का एज हो। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में हम सारे इन्फॉर्मेशन सही सही फिल करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम एज पर SSC, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल सही सही फिल करेंगे। ये फिल करना इसलिए भी सही सही ज़रूरी है क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी मैच कराया जाएगा, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी अप्रूवल लिया जाएगा। तो ये तो रहा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। अब आते हैं वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाया जा रहा है, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर कोलेट्रल सिक्योरिटी फ्री है, यानी कि किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देना है। और सेम केस बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भी है, और यहां पर आपको 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिमिट भी मिल जाता है। लेकिन यहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो स्टूडेंट होगा वो वेस्ट बंगाल का ही निवासी होगा, इसके अलावा वो जो पढ़ाई कर रहा होगा वो भी वेस्ट बंगाल के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही कर रहा होगा, और सिर्फ यही लोग वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक यहां पे बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, आर यू रजिस्ट्रिंग फॉर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया। तो हम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया पर क्लिक करेंगे, देन यहां पे एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर हमें सारे इन्फॉर्मेशन सही सही फिल करना है। क्योंकि अगर सही इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर डेटा मैच नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर पर है FD क्रेडिट कार्ड, यानी कि क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। और ये सारे बैंक्स FD क्रेडिट कार्ड्स इशू करती हैं। तो आप देखेंगे ये ICICI बैंक मैंने ओपन किया है, और यहाँ पर भी आपको नाउ एंजॉय अ कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड एंड ओपनिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी आपको ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपका तो एक ICICI बैंक में एक खाता होना चाहिए, एंड इस खाते में आपका 10,000 रुपये का मिनिमम FD होना चाहिए, और उसी FD के अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे इस बारे में थोड़ा डिटेल में है, FD क्रेडिट कार्ड क्या है, किस तरह के डिपॉजिट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड अवेलेबल, तो इस तरह का पूरा डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। लेकिन एलिजिबिलिटी की सिंपल सी बात करें तो आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए, आपका एक अकाउंट होना चाहिए ICICI बैंक में, और उस अकाउंट में 10,000 रुपये का मिनिमम FD होना चाहिए, देन आप FD क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे देख सकते हैं डिटेल है कि भाई मिनिमम 10,000 रुपया अगर आपका FD है तो आपको इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, 30,000 रुपये का FD है तो आपको यहां पे कोरल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और 75,000 रुपये का अगर FD है तो यहाँ पे क्या है रूबी एक्स क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जो कि ये सारा क्रेडिट कार्ड FD क्रेडिट कार्ड होता है। इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने का यहाँ पे एक बटन है ओपन FD क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं।
आप देखिए दूसरा बैंक जो है कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी एफडी क्रेडिट कार्ड इशू करती है, यानी कि क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर जो है ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है और यहाँ पर भी आपको मिनिमम 10,000 रुपये का एफडी करना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लो एज 10,000 रुपीज का एफडी आप करेंगे तो आपको यहाँ से ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका कम से कम 18 साल एज होना चाहिए, आपका एक खाता होना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में, भले ही जीरो बैलेंस वाला खाता हो, और उस बैंक में कम से कम 10,000 रुपये का एफडी होना चाहिए, देन आप कोटक के एफडी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका एफडी होगा उतना ज़्यादा आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिलेगा। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक बटन है अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक भी एफडी क्रेडिट कार्ड इशू करती है और यहाँ पर भी आपको मिनिमम 10,000 रुपये का एफडी करना होता है। 10,000 रुपये का एफडी करते हैं तो आपको यहाँ से भी एफडी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन एफडी क्रेडिट कार्ड यहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कोई बटन नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे आपको आपके बैंक में जाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि कस्टमर विल हैव टू ओपन अ फिक्स्ड डिपॉजिट विद देयर बैंक एंड देन अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड। सो यू कैन अप्लाई बाय विजिटिंग द ब्रांच। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बैंक के ब्रांच में जाकर के ही 10,000 रुपये का एफडी करवा करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा एफडी क्रेडिट कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। अब बढ़ते हैं आखिरी और तीसरे नंबर की तरफ, एड ऑन कार्ड्स। एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स जो होता है वो होता है कि भाई मान लीजिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं अपने ब्रदर के लिए, फादर के लिए, सिस्टर के लिए या वाइफ के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता हूँ तो मैं एड ऑन क्रेडिट कार्ड बनवा सकता हूँ, वो उनके नेम का बन जाएगा। एड ऑन क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ये है कि एक तो हमारे बिहाफ पे ही उनके लिए क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, दूसरा कि उनका क्रेडिट कार्ड पर कोई एक्स्ट्रा एनुअल चार्ज, रिन्यूअल चार्ज या कोई एक्स्ट्रा चार्ज उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एड ऑन कार्ड्स के, जो कि इजीली बन भी जाता है, वो हमारे कार्ड के बिहाफ पे बनता है। और ये जो एड ऑन कार्ड्स है ये लगभग सारे बैंक इशू करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर SBI क्रेडिट कार्ड है, तो SBI क्रेडिट कार्ड भी जो है यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रहा है कि एब्सोल्युटली फ्री एड ऑन SBI क्रेडिट कार्ड इन जस्ट सिंपल 3 स्टेप्स। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए SBI का एड ऑन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो अपने किसी भी फैमिली मेंबर के लिए एड ऑन क्रेडिट कार्ड 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप आ जाएंगे ICICI बैंक में, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि शेयर हैप्पीनेस विद योर फैमिली, एंजॉय न्यूमेरस बेनिफिट्स विद ICICI बैंक सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड। तो ICICI बैंक भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देती है, मतलब कि अगर हमारे पास ICICI बैंक का कार्ड है तो हम एड ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए किसी फैमिली मेंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी जीरो फीस वगैरह होता है और ये लगभग सारे बैंक के साथ होता है। किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रेंस एंड ब्रदर एंड सिस्टर जिसका एज 18 साल से ऊपर। अब आ जाइए कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड इशू करती है, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से भी अपने किसी भी फैमिली मेंबर के लिए एड ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने का यहाँ पर स्टेप्स दिया हुआ है, नेट बैंकिंग में ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, SMS के थ्रू ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, और कॉल के थ्रू अगर रिक्वेस्ट करना है तो इस नंबर पर कॉल करके हम जो है एड ऑन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाइए HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक भी जो है एड ऑन कार्ड इशू करती है। तो HDFC बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे कोई अलग से पेज नहीं है उसका, लेकिन एड ऑन कार्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि एड ऑन कार्ड क्या है, क्या उसका सिस्टम है, क्या उसका लिमिट है, सारी डिटेल्स आपको HDFC बैंक के इस पेज पर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको एक्सिस बैंक पर भी जो है एड ऑन क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है और यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एड ऑन कार्ड किस किस के लिए इशू किया जा सकता है, तो स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग, सन एंड डॉटर्स जिसका एज 18 साल से ऊपर हो। तो अगर एक्सिस बैंक का भी किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो वो अपने स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग से या फिर सन एंड डॉटर्स के लिए जिसका एज 18 प्लस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा, इन 3 ऑप्शंस में से अगर एक ऑप्शंस भी आपके पास है या एक ऑप्शंस को भी आप सही से फॉलो कर लेते हैं तो आपका एज अ स्टूडेंट भी क्रेडिट कार्ड बन जाता है। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए इजी है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।